हम पढ़ रहे थे एच डी यादव, ठीक है ना, एच डी यादव में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था हमने। चैप्टर नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। क्वेश्चन नंबर 61 है कि एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरे के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियाँ रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं, तो बाग में कितनी पंक्तियाँ हैं, ठीक है। यानी कि उसके कहने का मतलब यह है कि जितने पेड़ लगाएं हम उतनी ही पंक्तियाँ हों, ठीक है ना, जितने पेड़ लगाएं हम उतनी ही पंक्तियाँ हों, ठीक है। अगर उसने, मान लेते हैं, अगर उसने एक्स पेड़ लगाए, ठीक है ना, तो एक्स ही पंक्तियाँ होंगी। अगर हम दो तीन पंक्तियाँ हैं हमारे पास, ठीक है ना, तीन पंक्तियाँ हैं हमारे पास, ठीक है, और उसने कहा जितनी पंक्तियाँ उतने ही पेड़, तो प्रत्येक पंक्ति में तीन पेड़, तो पेड़ों की संख्या कितनी हो गई, 9, ठीक है। अगर चार पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में चार पेड़ उसने खुद कहा है, तो संख्या कितनी, 16 हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, यहाँ है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़, एक्स पेड़ मानना पड़ेगा, ठीक है, और उतनी ही पंक्तियाँ होंगी, कितना हो गया एक्स इंटू एक्स, ठीक है। और ये हैं कितने, 5184, कितने हैं 5184, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये हो गया 5184। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ 5184, तो x बराबर कितना हो गया, ये हो गया 72, क्योंकि 5184 72 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। कितना हो गया, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत नहीं आता, नहीं होनी चाहिए, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर था 61। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। उसने कहा है कि 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। यदि कुल संख्या 1600 रुपये है, यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित किए गए, तो कक्षा में कितने लड़के हैं, ठीक है, चलो देखो, ठीक है। उसने कहा है लड़का और लड़की कुल मिलाकर हैं कितने, लड़का और लड़की कुल मिलाकर हैं कितने, 60, ठीक, कितने हैं 60। मान लिया, माना लड़कों की संख्या हम x मान लेते हैं, x मान लिया, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 60 माइनस का एक्स, क्यों, दोनों 60 है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर ये 10 होते तो लड़की कितनी होती, 60 माइनस 10 50 हो जाती, ठीक है भाई, तो क्या हमने। अब उसने कहा है कि एक्स तो लड़के हैं, लड़कों ने उतने रुपए दिए जितनी लड़कियों की संख्या थी, यानी प्रत्येक लड़के ने कितने रुपए दिए, 60 माइनस एक्स रुपए दिए, ठीक है, तो सब ने कितने दिए, इतने दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने कहा है कि प्रत्येक लड़की ने, लड़की में संख्या कितनी है, 60 माइनस एक्स, उतने रुपए दिए जितने लड़कों की संख्या थी, मतलब प्रत्येक लड़की ने, ठीक है, तो कितना हो गया, 60 माइनस एक्स इंटू एक्स, ठीक है। देखो अगर इसमें कोई दिक्कत हो, देखो अगर यहाँ 10 लड़के हैं, वो मान लेते हैं 20 लड़कियाँ हैं, ठीक है, तो लड़कों ने कितने दिए, 20 लड़कों ने, 20 लड़के थे, लड़के थे 10 लड़के थे, 10 लड़कों ने कितने रुपये दिए, 20 रुपये दिए, तो रुपये कितने हो गए, 10 × 20, तो भाई तो हमने ये क्या, यहाँ क्या है भाई, लड़कों की संख्या कितनी थी, x थी, और कितने, प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए हैं जितनी लड़कियों की संख्या है, यानी प्रत्येक लड़के ने 60 माइनस एक्स रुपए दिए हैं, ठीक है ना, और वही काम क्या है लड़कियों ने, और ये कुल मिलाकर कितने हो गए, ये कुल मिलाकर हो गए 1600, ठीक है। तो देखो एक बार ये लिखा है, एक बार ये लिखा है, तो दो बार हो गया, कितना हो गया, 2x 60 माइनस का एक्स बराबर 1600, तो उसे काट दो, उसको कितना कटेगा, ये कटेगा 8 बार, कितना हो गया 800। जब x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 800, कितना हो गया 800, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, उधर ले जाते हैं, जब इसको इधर लेकर जाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये तो प्लस का है इधर, बराबर कितना हो गया 0, ठीक है 0। अब फैक्टर करने पड़ेंगे, फैक्टर करो उसके, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x माइनस का 20x प्लस का
800 फैक्टर करने कैसे हैं, तो द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे तब बता देंगे, ठीक है। ठीक है, जल्दी कैसे करने हैं, तो मैं इसको यहाँ से उठाकर इधर लिखता हूँ, तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 40x माइनस का 20x प्लस का 800 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स जब कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस का कितना हो गया 40, और जब माइनस का 20 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस कितना हो गया 40 बराबर 0। तो एक्स माइनस का 40 और एक्स माइनस का 20 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो गया 40 भी हो गया और 20 भी हो गया, यानी लड़कों की संख्या 40 भी हो सकती है और लड़कों की संख्या 20 भी हो सकती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि लड़कियों की संख्या 40 भी हो सकती है और लड़कियों की संख्या 20 भी हो सकती है, ठीक है। अब डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन क्या दे रखा है, इसमें ऑप्शन दे रखा है 50, तो 50 तो है नहीं, डेटा अपर्याप्त है, डेटा पर्याप्त नहीं, ये भी गलत है, 20 हाँ 20 हमारा आंसर है, यानी कितना हो गया, अब ऑप्शन पे जाना पड़ेगा हमें, 20 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर 40 दिया होता तो 40 होता हमारा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कितना 63, इसको मिटा देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 63 है क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 63 है कि एक माली 17956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहाँ उतनी ही पंक्तियाँ हों जितने एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है, ठीक है ना, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या याद कीजिए, क्या ये क्वेश्चन नंबर 61 की तरह नहीं है, भाई क्वेश्चन नंबर 61 की तरह ही है, ठीक है ना, अगर पेड़ों की संख्या एक्स है, ठीक है ना, या पंक्तियों की संख्या एक्स है और प्रत्येक पंक्ति में एक्स ही पेड़ है, तो कितना हो गया, 17000 कितने रखा था, 17956 तो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर 17956, तो एक्स कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 17956, ठीक है। अब या तो हमें पता होना चाहिए किसका परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं पता तो फिलहाल हम यहाँ ऐसे निकाल रहे हैं, इसके जस्ट बाद में एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, वहाँ बता दूंगा कैसे निकलेगा ये, ठीक है ना, देखो फिलहाल हम इसको ऐसे निकालते हैं, वैसे पता होना चाहिए कितने का 134 का है ये 56, दो की पेयरिंग करो, कर दी पेयरिंग, तो एक ही कम एक कितना हो गया 79 बचा, यहाँ एक जोड़ी कितना हो जाएगा 2, तीन बार जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 69, यहाँ बचेगा 10, ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा प्लस तीन जोड़ेगा कितना हो जाएगा 26, और चार बार जाएगा और यहाँ 1056 हो जाएगा, ठीक है, यानी एक्स बराबर कितना हो गया 134, यानी 134 पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में 134 पेड़ है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, करो क्वेश्चन नंबर 64 और क्वेश्चन नंबर 62 दोनों सेम है, क्वेश्चन नंबर 64 और क्वेश्चन नंबर 62 दोनों क्या हैं, सेम है बिल्कुल, एक ही डेटा है उनमें, ठीक है ना, और आंसर भी शायद उनमें वहाँ भी आंसर सेम दे रखा है, बी सी है, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ, 65 क्या है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, ठीक है, तो क्या पूछा उसने, संख्याओं का योग पूछा है, ठीक है, उसने कहा है कि दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं एक संख्या ए और दूसरी संख्या बी, हमने ये मान लिया एक संख्या ए दूसरी संख्या बी, ठीक है, देखो उसने कहा है इन दोनों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 100, कोई दिक्कत, और इनके वर्गों का अंतर यानी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 28, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ से देखकर पता लग जाना चाहिए कि ए बराबर 8 होगा और बी बराबर 6 होगा, क्यों, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का योग ही 100 होता है, भाई 64 प्लस 36 कितना होता है 100 होता है, ठीक है, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये वाली भी सेटिस्फाई हो जाएगी, देखो 64 में से 36 घटा तो 28 ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे नहीं पकड़ पाए तो करना कैसे इसको, देखो या तो देखते ही पता लगा लो कि यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ ट्रिपलेट बनता है क्या कि 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में, ठीक है, तो वहाँ फिलहाल इसको यहीं तक रहने दो। अगर हमें नहीं पता चला कि ये किस यहाँ क्या होगा, ठीक है, करना क्या है, देखो
इसको ऐड कर दो प्लस माइनस प्लस, जब ऐड करेंगे तो बी से भी कट जाएगा। ये हो गया 2a² बराबर 128। तो ए स्क्वायर कितना हो गया, 128 बटे 2 मतलब 64, 2 से काट देंगे इसको 64 बार कटेगा, ठीक है। तो ए कितना हो गया, ए हो गया यहाँ पे 8, कितना हो गया, ए हो गया 8। जब ए 8 हो गया तो चाहे तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और चाहे यहाँ पुट कर दो, तो बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा हमारे पास 6। कितना आ गया 6। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है हमसे क्या, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है हमसे इसका योग, यानी कि a प्लस बी उसने कहा है कि फाइंड कर दो। तो 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14 हो गया। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, वो दिक्कत है था? नहीं होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि दो संख्याओं का योग 29 है और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। सबसे आसान क्वेश्चन तो यही है, ठीक है। उसने कहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है, भाई दो संख्याएं हैं, एक संख्या ए मान लो, दूसरी संख्या बी मान लो। दो संख्या हमने, एक संख्या ए मानी, दूसरी संख्या बी मानी, कहा है कि इन दोनों का योग यानी कि ए प्लस बी कितना दे रखा है, 29। और क्या रखा है कि इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर का अंतर, ठीक है ना, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 145 है। और हमसे पूछा है कि ए माइनस बी बता दो कितना होगा, कितना होगा। क्या एक फॉर्मूला नहीं लग रहा है भाई, अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करते हैं तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है, ठीक है। तो पुट करो यहाँ भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी की आपस में गुणा करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है, बराबर कितना है, 145। क्या ए प्लस बी की वैल्यू नहीं पता हमें कितनी है, 29 है, तो ए माइनस बी कितना हो गया, ठीक है, ये 29 आ जाएगा यहाँ, कितना 145। हमसे पूछा है ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना होगा, 145 बटे 29, तो 29 से कितने बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। तो ए माइनस बी कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ कितना, 5। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 66। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। उसने कहा है कि तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है। तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है, तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। उसने कहा है कि तीन संख्याएं हमारे पास, हमारे पास क्या है, तीन संख्याएं हैं, ठीक है, तीन लगातार संख्याएं, ठीक है ना, तीन लगातार संख्याएं, यानी पहली संख्या क्या होगी x, उसके बाद क्या होगी x प्लस 1, उसके बाद क्या होगी x प्लस 2, ये तीन लगातार संख्याएं होंगी। कहा है कि इन तीनों संख्याओं के स्क्वायर का योग, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का जो योग है ना, वो 2030 है। अगर हम इसको इस तरीके से करने चले गए तो बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। अब इसको जल्दी कैसे करना है, देखो जल्दी करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, चाहे तो संख्याओं का योग दे रखा हो और चाहे संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा हो, चाहे तो संख्याओं का योग दे रखा हो और चाहे संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा हो, ठीक है ना। हमें जो योग दे रखा है ना, उसमें जो भाग करना है वो संख्याओं की संख्या से भाग करना है, संख्याओं की संख्या से भाग करना है। अगर ये योग दे रखा होगा, ठीक है, तब तो यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट बीच की संख्या आ जाएगी, ठीक है, भागफल जो होगा वो एग्जैक्ट बीच की संख्या होगी। लेकिन जब ये वर्गों का स्क्वायर दे रखा होगा, लेकिन जब ये स्क्वायर का सम दे रखा होगा, तब यहाँ जो आएगा ना, यहाँ जो आएगा भागफल जो आएगा, वो परफेक्ट किसी परफेक्ट स्क्वायर के आसपास आएगा, ठीक है ना। तो देखो भाग करते हैं इसको, भाग करो, 3 6 18 बचे कितने, 2 हो गए 23, ठीक है ना, 3 7 21 कितना बचा यहाँ से, 2 कितना हो गया, 18, 3 6 18 पॉइंट के बाद भी कुछ आता रहेगा, ठीक है, कुछ आता रहेगा पॉइंट के बाद भी। हमें लेना है पॉइंट से पहले का भाग, यानी 676। या तो ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा या किसी परफेक्ट स्क्वायर के आसपास आएगा, ठीक है ना। अगर जिस परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है, भाई हमारी बीच की संख्या होगी,
ठीक है, और खुद ही 676 का परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 26 का, यानी 26 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, उस 676 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 26 का, यानी बीच की संख्या क्या होगी, 26। अगर बड़ी संख्या की बात करें तो 27, और छोटी संख्या की बात करें तो 25। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी करने का यही तरीका है। पॉइंट के बाद क्या है उसको छोड़ दो, पॉइंट से पहले की बात करते हैं कितना आया, 676 आया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो किसी परफेक्ट स्क्वायर के आसपास आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 67, तो बीच की संख्या पूछी थी 26 आ गई। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। कहा है किसी पूर्णांक के, अगर किसी को डिटेल में करना है तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, एक्स वैल्यू हो जाएगी, एक्स क्या आएगा, 25 आएगा, उसमें एक जोड़ देना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। कहा है किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, वह पूर्णांक क्या है, ठीक है ना। एक संख्या है, एक पूर्णांक है, मान लेते हैं एक पूर्णांक ए है। कहा है कि इस पूर्णांक के घन से यदि हम इस पूर्णांक का स्क्वायर घटा दें तो जो रिजल्ट मिलता है हमें वो 48 मिलता है, ये क्वेश्चन में कहा है, हमने नहीं कहा, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा ए प्लस वन, ए माइनस वन हो रहा 48। अब हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन के ऊपर कि कौन सा ऑप्शन हमें 48 आंसर देगा, कौन सा ऑप्शन हमें 48 आंसर देगा। जो ऑप्शन 48 आंसर देगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है, 48 मिलेगा जिससे वही हमारा आंसर होगा। देखो पहले ऑप्शन से चलते हैं, पहला ऑप्शन है 8, ठीक है भाई, 64 की किसी भी संख्या से गुणा कर दो कि 48 आ सकता है भाई, कि पहला ऑप्शन है 8, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 64 की किसी भी संख्या से गुणा करने पर 48 आ सकता है, नहीं आ सकता। अगला ऑप्शन 36, ठीक है ना, अगला ऑप्शन है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 6 में से घटाओ कितना होगा 5, तो 3×5=150 से ऊपर गया, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। सी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 25 और 5 में से क्या कितना होता है 4, 25 चौका 100 के 48 आ रहा है, नहीं आ रहा, ये आंसर नहीं है हमारे पास। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, आंसर तो यही है वैसे, ठीक है ना, क्योंकि 3 तो गलत हो गए, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 4 में से कटा कितना हो गया 3, और कितना हो गया ये 48 हो गया, तो ए बराबर कितना होगा, ए बराबर हो गया हमारे पास 4, यानी वह संख्या कौन सी है, वो संख्या 4 है, 4 का क्यूब करके उसका स्क्वायर घटा दो 48 ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, ये था क्वेश्चन नंबर 68। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। क्वेश्चन नंबर 69 है क्या हमारे पास, कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है, ठीक है, यानी दो क्रमागत सम संख्याएं हैं, अगर एक संख्या ए है तो उससे अगली सम संख्या ए प्लस टू होगी, ठीक है भाई, अगर एक अगर सम संख्या दो है तो उसके बाद 4 मिलेगी, उसके बाद 6 मिलेगी, उसके बाद 8 मिलेगी, यानी कि हर दो दो के गैप पर, यानी हर पिछली संख्या में दो जोड़ने पर अगली सम संख्या मिल जाती है, ठीक है। अगर हमने पहली सम संख्या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए मानी तो उससे अगली सम संख्या जो होगी वो ए प्लस टू होगी, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसने पूछा है क्या, उसने दे के रखा है, फिलहाल उसने दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 69, ठीक है, दे रखा वर्गों का अंतर, यानी कि इन दो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी ए प्लस टू का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर है कितना, यहाँ पर 84, कितना है 84, ठीक है। अब देखो, अब क्या ये ए, क्या ये बी नहीं दिख रहा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे एक बार इन दोनों को घटाएंगे, तो कर दो, यानी कि ए प्लस टू प्लस ए, जोड़ दिया एक बार घटा दो ए प्लस टू माइनस का ए, कितना है हमारे पास 84। देखो ए से तो ए कट गया, ये कितना हो गया, ये हो गया ए प्लस टू प्लस ए इंटू टू बराबर 84, दो से काटो, दो दुनी दो चौक 8 और दो दुनी 4, तो ए प्लस टू प्लस ए बराबर कितना हो गया हमारे पास
42। अब उसने पूछा क्या, वो देखना पड़ेगा। उसने पूछा दोनों संख्याओं का योग पूछा है। योग का मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a प्लस टू, यही तो आएगा जोड़ेंगे तो, और यही तो निकला है हमारे पास a प्लस टू प्लस ए। तो आंसर कितना हो गया हमारे पास 42। ये हो गया आपका आंसर। उसने इससे पूछा था दोनों संख्याओं का योग बता दो, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया, पहली संख्या a, अगली संख्या a प्लस टू, और दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया 42 आ गया। ये तुमसे पूछा था। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ऐसा मत करना कि यहाँ से a की वैल्यू निकालने चले जाओ। ठीक है ना, a की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, क्या होगा 2a प्लस टू हो जाएगा, दो से कट जाएगा, निकल जाएगी वैल्यू। लेकिन फ़ायदा क्या होगा जब हमारा आंसर यहीं आ गया तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला है 670। कहा है कि दो संख्याओं का योग 22 और उनके वर्गों का योग 404 है, तो गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला लग गया बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर था पिछला वाला 69। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। यानी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 70 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या ए मानी हमने, अगली संख्या बी मानी, उन दोनों का योग कितना हो गया 22 हो गया। बिल्कुल सही। और कहा है कि वर्गों का योग, यानी वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है उसने, 84 है। कितना है सर, 404 है। कितना है, 404 है। और हमसे फाइंड करने के लिए कहा है कि फाइंड कर दो कि ए इंटू बी कितना होगा। क्या हमें फॉर्मूले का रूप नहीं लग रहा, किस फॉर्मूले का रूप नहीं लग रहा, किसका? देखो ए प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही तो होता है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई ए प्लस बी हमारे पास दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, हमसे ए भी पूछा है बस। तो निकालो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया 22 का स्क्वायर। भाई ए प्लस बी की जगह 22 पुट कर दिया हमने, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 404 प्लस 2ab, ये कितना हो गया 484 माइनस का 404 बराबर 2ab। इसको इधर ले आए तो यहाँ से कितना हो जाएगा 80 बचेगा, 80 बराबर 2ab, और दो से कट जाएगा कितना हो जाएगा 40 हो गया। यानी a इंटू बी कितना हो गया, ये हो गया 40। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत नहीं, नहीं सिर्फ फॉर्मूला लगा इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 70 था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 और उनके अंतर का वर्ग 36 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ये भी इसमें ही फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन नंबर 71 में भी। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास क्या कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 80, यानी दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग कितना है हमारे पास 80, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 80, और उनके अंतर का वर्ग यानी a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो 36 है। और हमसे फाइंड करने के लिए कहा है कि a इंटू बी फाइंड कर दो। क्या फाइंड कर दो, a इंटू बी फाइंड कर दो। तो क्या यहाँ से देखने से कुछ लग नहीं रहा कि अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो ये भी मिलेगा हमें। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता है ना। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या दे रखा है हमें, 36 दे रखा है, 36 हो गया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना रखा, 80 दे रखा, तो 80 हो गया माइनस। ठीक है, 2ab, ये भी तो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 2ab को इधर लेके जाओ और इसको उधर लेके जाओ, यानी 2ab बराबर कितना हो गया 80 माइनस का 36। ठीक है, तो ab कितना हो गया, बट्टे में 2 जाएगा, ये घटाओ 10 में से 6 गया 4 बचेगा, और 7 में से 3 गया 4 बचेगा। ठीक है, हम दो से काट दो उसको, a इंटू बी कितना आ गया 422 आ गया। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत है तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 71 था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। क्वेश्चन नंबर 71 और 72 दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 71 और क्वेश्चन नंबर 72 दोनों ही सेम है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास क्या, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया संख्या ये है,
उसने कहा है संख्या का वर्ग और संख्या, भाई जो संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर कर दो और उसमें संख्या जोड़ने पर हमें 182 मिलता है। ठीक है, तो पूछा संख्या ज्ञात करो, यानी एक संख्या, ठीक है ना, संख्या में अगर संख्या का स्क्वायर ऐड कर दें तो क्या मिलता है, 182 मिलता है। तो पूछा संख्या क्या है, संख्या बताओ, तो कहाँ से ए कॉमन नहीं आ रहा, तो ए कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, ए प्लस वन बचेगा और यहाँ कितना 182। अब फिर से ऑप्शन की तरफ जाएंगे हम, फिर से ऑप्शन की तरफ, पहला ऑप्शन है 91, ठीक है, 91 प्लस वन कितना हो जाएगा 92, तो क्या गुणा करने पर कितना आ रहा है, 182 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो गुणा कर लो, 2 + 2 दोनों में 18 है, ठीक है ना, तो अभी तो इसमें और भी ऐड होना है तो ये तो हो नहीं सकता। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, 13 में गुणा कितना हो जाएगा 14, गुणा करके 182 आ रहा है क्या, 14 + 3 = 42, हाँ लगे 4 और 14 + 4 = 18 है, बिल्कुल आ रहा 182। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 13, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ ऑप्शन पुट, ऑप्शन रख के पुट करना पड़ेगा, वरना तो इसको उधर ले और फैक्टर कर लो उसके, और फैक्टर करने आसान होंगे नहीं, ठीक है, चलो ठीक है ना, आसान तो है फैक्टर करने, जब सीख जाएंगे तब आसान होंगे, फिलहाल आसान नहीं है, सीखे नहीं है तो ठीक है। चलो अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये था 73, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, क्वेश्चन नंबर 74 की, कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 386, एक संख्या 5 दूसरी पूछिए, क्या क्वेश्चन है, वो आसान सा क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का योग, मानिए दो संख्या, एक संख्या ए है, ए का स्क्वायर, दूसरी संख्या बी है, बी का स्क्वायर कितना दे रखा है उसने, 386, उसने क्या रखा है, क्या एक संख्या 5 है, ठीक है ना, एक संख्या 5 है दूसरी पूछिए, मान लेते हैं बी बराबर 5 दे रखा है उसने, चाहे ए बराबर 5 मानो चाहे बी बराबर 5 मानो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसे, बस पुट कर दो यहाँ, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 386, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 386 में से 25 क्या होगा, माइनस होगा, क्यों, 5 का स्क्वायर होता है 25, इधर प्लस का होता है माइनस का हो जाएगा, तो ए स्क्वायर जब घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1, 6, 3, 361 बचेगा, तो ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 361, और ये किसका होता है, ये 19 का होता है, बस आंसर, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की, कहा है क्या कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर x है और उनके वर्गों का योग 369 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, देखो उन संख्याओं का अंतर दे रखा है, दो धनात्मक संख्या उनका अंतर दे रखा है, ठीक है, मान लेते हैं एक धनात्मक संख्या a है, अंतर 3 का है, तो अगली a प्लस 3 होगी, या a माइनस 3 होगी, कुछ भी मान लो, डिफरेंस 3 का होना चाहिए, ये a है तो इसको चाहे तो a प्लस 3 मानो चाहे a माइनस 3 मानो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है। चलो और उसने क्या दे रखा है, उसने अंतर 3 का है, यदि उनके वर्गों का योग 369 है, उनके वर्गों का योग यानी a प्लस 3 का क्यूब वर्गों का योग प्लस a स्क्वायर बराबर 369 बराबर 369, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इधर रखा था इधर रखा, अब अब सम पूछा है, तो देखो अब क्या करें, अगर यह माइनस होता तो ए स्क्वायर माइनस बी इसका फॉर्म लगा लेते, माइनस तो है नहीं, जब माइनस नहीं है तो फॉर्म खोलना पड़ेगा हमें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6a प्लस ए स्क्वायर बराबर 369, क्या करा हमने भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है हमारे पास, तो यही तो लगाया हमने भाई, ए का स्क्वायर ए, 3 का स्क्वायर 9 और 2ab, मतलब देखो 2 × a × 3 कितना हो गया, 3 × 2 = 6 है, क्या हो गया, ये हो गया 6a, सॉरी इसको उधर लेकर आओ, इधर के लिखा हो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होगा, 2a², ठीक है, प्लस का 6a और 9 उधर जाकर क्या होगा, माइनस होगा, कितना हो गया 369 माइनस का 9 बराबर 360 भाई, 369 में से 9 घट गया, क्यों, प्लस का था उधर जाएगा माइनस का, कितना 360 हो गया। अब इसमें से दो भी कॉमन आ रहा है तो दो भी कॉमन ले लो, जब दो कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर
प्लस 3a बराबर 180। क्यों? क्योंकि दो कॉमन लेंगे यहाँ से और दो से ही कट जाएगा 360। कट गया, ठीक है। कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस 3a, ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 180 बराबर 0। अब फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करो, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 15a माइनस का 12a बराबर 180 बराबर कहाँ माइनस का 180 बराबर 0। ठीक है, अब ए कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस 15। ठीक है, यहाँ से माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो बचेगा ए प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया ए प्लस 15 और ये कितना हो गया ए माइनस का 12 बराबर 0। मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, यहाँ यानी ए प्लस 15 और ए माइनस 12 बराबर 0, तो ए की वैल्यू आएगी माइनस का 15 और 12, तो माइनस को ले नहीं सकते, तो ए बराबर कितना हो गया 12। कितना हो गया ए बराबर, ए बराबर हो गया 12। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। जब ए बराबर 12 है तो अगली संख्या कितनी होगी, 15 होगी, 12 और 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने पूछा योग, यानी 12 प्लस 15 कितना हो गया 27। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर दो बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, दो बार फॉर्मूला लगाने से बचने के लिए हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो कैसा लगेगा दो बार फॉर्मूला, मैं बताता हूँ। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर दो बार फॉर्मूला लगेंगे। ठीक है, चलो बताऊँ इसको। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास, ये था 75। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। उसने कर रखा है तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात एक अनुपात दो अनुपात तीन है, तीन का अनुपात एक अनुपात दो अनुपात तीन है। यदि उनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं क्या होंगी। देखो यहाँ हमें एक्स मान के चलेंगे, अगर हमने इसके साथ x नहीं लगाया, डायरेक्ट एक का स्क्वायर एक, चार दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ कर दे, तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ये है एक है, जब ये रेशियो है तो यहाँ से इसका HCF कटा होगा, जब ये रेशियो है तो यहाँ से इसका HCF कटा होगा, यानी इन तीनों में से कोई कॉमन संख्या होगी जो कटी होगी। मान लेते हो संख्या x है, तो एक के x से गुणा करेंगे तो x रहा होगा, दो से करेंगे दो x रहा होगा, तीन से करेंगे तीन x रहा होगा। ठीक है, उसने कहा है कि इनके स्क्वायर का योग, यानी एक्स स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, 3x स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर, और है कितना ये जी ने जोड़ने पर 126। कितना है 126, कितना हो गया 9, 10, 4, 14x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 126। ठीक है, तो कितनी बार कटेगा ये, 14 से कटेगा 9 बार। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 9, तो x कितना हो गया हमारे पास 3, क्या हो गया 3। उसने पूछा है क्या, उसने पूछा संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या x यानी कि 3, दूसरी संख्या 2x यानी कि 3 दूनी कितना हो गया 6, तीसरी संख्या 3x, 3 से कितना हो गया, हमने क्या करा x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगर यहाँ वर्गों का स्क्वायर, अगर वर्गों का योग ना दे रखा होता, डायरेक्ट योग दे रखा होता, तो यह बिना एक्स माने भी कर लेते हम। ठीक है ना, कर तो हम बिना एक्स माने वर्गों स्क्वायर का योग भी कर लेंगे, लेकिन वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि लास्ट में जो रिजल्ट बचेगा ना, ये जो बचेगा ये क्या बचेगा, ये स्क्वायर के फॉर्म में बचेगा, स्क्वायर के फॉर्म में बचेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन होता क्या, जल्दबाजी में हम इसको गलत कर देते हैं। ठीक है ना, हम इसको डायरेक्ट, अगर हम इसको नहीं मान के चलेंगे तो गलती कहाँ करेंगे, देखो अगर हमें एक्स नहीं मान के चलेंगे गलती क्या करेंगे, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, कितना हो गया 126, कितना हो गया यहाँ से 14 की वैल्यू 26, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 9। अब हमें नहीं पता कि यहाँ एक्स, यहाँ पे स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है ना, पता तो है लेकिन जल्दबाजी में गलती कर जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन जब लिखा होगा तो गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ एक की वैल्यू 9 मान लेंगे यहाँ से, और 9 एकम 9, 9 18, 9 27, आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा।
लेकिन जब सिंपल योग दे रखा है तो सिंपली जोड़ दे उसको, जब सिंपल योग नहीं दे रखा वर्गों का योग दे रखा है तो मैं एक्स मान के चलेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, गलती होने का चांस बहुत कम है। ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। 77 है, निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर 240 प्राप्त होता है। तो क्या क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पीछे नहीं कराया मैंने, कराया है। वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 प्राप्त होता है, यानी संख्या हमने a मान ली है ना, अगर इसमें हम a में अगर हम इसका स्क्वायर जोड़ दें तो रिजल्ट कितना मिलता है, 240 मिलता है। ये क्वेश्चन निकाला हमने नहीं कहा, ठीक है। तो a कॉमन ले लिया, कितना हो गया a प्लस वन, कितना हो गया 240। अब ऑप्शन से a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा, पहला ऑप्शन कितना 15, यानी 15 गुणा 16 तो बिल्कुल 240 ही आएगा। 15 छः कितना हो गया 90, यहाँ से कितना लगे 9, और 15 9 कितना हो गया 24, यहाँ से कितना हो गया हमारे पास ए बराबर कितना हो गया। और वैसे भी देखो और यहाँ भी पुट करें तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 कितना हो 240, आंसर कितना हो गया 15। चाहे तो यहाँ पुट कर दो चाहे ए कॉमन लेकर पुट कर दो, आंसर नंबर आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन था हमारे पास 77, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तीन गुने में, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तीन गुने में से उस संख्या के चार गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या प्राकृत संख्या से 50 अधिक है। उसने कहा है किसी प्राकृत संख्या के, मान लेते हैं संख्या हमने ए मान ली, ठीक है, उसने कहा है संख्या के वर्ग के तीन गुने, यानी संख्या के वर्ग के तीन गुने में से उस संख्या के चार गुने को घटाने पर, इस संख्या के चार गुने को घटाने पर, ठीक है, प्राप्त संख्या जो रिजल्ट मिलेगा वो प्राकृत संख्या से 50 अधिक होगा। ये क्वेश्चन ने कहा है, हमने नहीं कहा, ठीक है भाई। अगर हम संख्या के वर्ग के तीन गुने में से संख्या का चार गुना घटाते हैं तो जो यहाँ रिजल्ट मिलेगा वो संख्या से 50 ज़्यादा होगा, यानी संख्या में 50 जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट और रिजल्ट क्या होगा, बराबर होगा। बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको इधर लेकर आओ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का a बराबर 50, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3a स्क्वायर माइनस का 5a, ठीक है, बराबर 50, कितना हो गया 50। तो यहाँ से a कॉमन ले लो, वैसे फैक्टर करके कर सकते हैं हम उसको, लेकिन a कॉमन ले लो फिलहाल यहाँ से। जब a कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3a माइनस का 5 बराबर 50, ठीक है। अब यहाँ से हम ऑप्शन पुट करेंगे, यहाँ से हमसे संख्या पूछी है तो ऑप्शन पुट कर दो, फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, जो करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है, कितना हो 4 थी 12 माइनस का 5, क्या 50 आ रहा है, देखो 4 गुणा कितना बचेगा 7 बचेगा 28, ये आंसर नहीं है हमारे पास। चाहे तो यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। देखो अब चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, 5 तो 5 3 पंजे 15 माइनस का 5 कितना हो गया 5 गुणा 10, क्या 50 आ गया, बिल्कुल आ गया, तो आंसर कितना हो गया हमारे पास 5, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पुट नहीं करना तो यहाँ पुट कर दो, कितना 3 गुणा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस कितना हो गया 5 पंजे 25, तो 75 माइनस का 25, क्या 50 नहीं आ रहा, आ रहा है, तो आंसर कितना हो गया 5 हो गया हमारे पास, ठीक है। फैक्टर करने मत जाना, फैक्टर करने जाओगे थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें, ऑप्शन चेक कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास कौन सा 78, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 79 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। क्वेश्चन नंबर 79 है क्या हमारे पास, क्या है कि 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होगा वो है, 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता है वो है, ठीक
ठीक है ना, यानी उसे ये बताना है कि किस संख्या का स्क्वायर करने पर, ठीक है ना, जो उसका वर्ग आएगा वो 100 से कम होना चाहिए। तो देखो 10 का स्क्वायर तो होता है हमारे पास 100, तो हो नहीं सकता, यानी 9 तक जाना पड़ेगा। तो किन किस बीच हो गया, अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं यहाँ से, 9 का स्क्वायर रूट निकालते हैं किसका, 81 का, तो प्लस माइनस का 9 आता है, ठीक है ना, कैसे आता है वो बात की बात है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी कि माइनस 9 भी हो सकता है और प्लस 9 भी हो सकता है, तो किसके बीच होगा, माइनस 10 से प्लस 10 के बीच होगा, माइनस 10 से प्लस 10 के बीच होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास कि दो संख्याओं का गुणनफल 32, उनका औसत 6, तो उनके घनों का योग होगा, ठीक है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 32, यानी एक संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, क्वेश्चन नंबर 80 है, ठीक है, गुणनफल कितना है 32 और उनका औसत, औसत मतलब ए प्लस बी बाई टू कितना रखा है, 6 दे रखा है, यानी ए प्लस बी कितना हो गया 12, ठीक है। अब ऐसी दो संख्याएं देखो जो जोड़ने पे 12 आया और गुणा करने पे 32 आए, तो 8 चौक 32, ठीक है भाई, 8 प्लस 4 कितना 12 और 8 गुणा 4 कितना 32, तो ए बराबर कितना हो गया 8 और बी बराबर कितना हो गया 4। अब जो पूछा है बता देंगे हम, क्या पूछा हमसे, घनों का योग, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512 और 4 का क्यूब होता है 64, जोड़ो दोनों को, 4 दो 6, 6 एक 7, 576 कितना आ गया 576, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। संख्याएं पकड़ लो और आंसर निकाल दो, निकाल तो वैसे ही सकते हैं बिना उसके भी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा निकालने में, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्यों, क्योंकि ए माइनस बी निकालना पड़ेगा, वहाँ से ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, टाइम लग जाएगा उसमें, ठीक है ना। सीधे संख्याएं पकड़ने की कोशिश करो कि क्या करें कि संख्याएं जोड़ने पर तो 12 आए, गुणा करने पर 32 आए, तो 8 प्लस 4 12 और 8 चौक कितना हो गया 32, तो आंसर पहली संख्या कितनी हुई 8 और उसके बाद कितनी हुई 4। यानी दो कंडीशन दे रखी हैं, दोनों को सेटिस्फाई, जो जो संख्याएं करेंगी वही संख्याएं होंगी हमारे पास, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड में 400 रुपये एकत्रित किए, यानी कुछ लड़कों ने क्या करा, अकाल राहत फंड में 400 रुपये एकत्रित किए, प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने लड़कों के, जितने लड़के थे। मान लेते हैं लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या 100 है, ठीक है, तो 100 लड़कों ने कितने रुपए दिए, उन्होंने रुपए कितने दिए प्रत्येक लड़के ने, यानी प्रत्येक लड़के ने रुपए दिए 100 संख्या का 1/4, भाई 25 पैसे दिए ना प्रत्येक लड़के ने, ठीक है, और 25 पैसे का मतलब कितना हुआ 1/4, ठीक है। 100 लड़के थे और प्रत्येक लड़के ने 100/4 रुपया दिया है, और जब एकत्रित हुए पैसे तो कितने हुए, ये कितने हुए 400 रुपये, तो एक्स स्क्वायर जो कितना हो गया हमारे पास, 4 की दर्जा गुणा हो गया, कितना हो जाएगा 4 गुणा 400, तो एक्स कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 गुणा 400, तो एक्स कितना हो गया, ये किसका प्रकृत स्क्वायर है 2 का, ये किसका है 20 का, कितना हो गया 40। कोई दिक्कत नहीं था, नहीं है। उसने क्या पूछा है, लड़कों की संख्या थी कितने थे 40 लड़के थे, ठीक है। चलो किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूँ, ठीक है ना, अगर ध्यान दिया होगा तो थोड़ा सा पता होगा, ठीक है। उसने कहा है किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है, यानी क्रमागत, यानी एक संख्या ए है उसके अगली संख्या ए प्लस वन होगी, होगी। उसने कहा है क्या दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर, यानी कि इनका डिफरेंस,
यानी कि a प्लस बी, सॉरी a प्लस वन का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? तो देखो, क्या ये a और ये b नहीं दिख रहा? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है। तो लगा दो यहाँ पर, एक बार जोड़ दो इसको और एक बार क्या करो, घटा दो इसको, तो एस घटा दो इसको, तो ए से ही कट गया। कितना बचा यहाँ पर? यहाँ तो एक बचा, यहाँ कितना बचा? ए प्लस वन और प्लस ए। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन है हमारे पास क्या कि दोनों संख्याओं का योगफल के बराबर। बिल्कुल सही है भाई, इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? ए होगा और ए प्लस वन होगा। तो यही तो रिजल्ट आया हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। बाकी ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा, एक सम संख्या, ठीक है, तो सम संख्या तो हो नहीं सकती। क्यों? क्रमागत में क्या होगा? एक सम संख्या होगी और एक विषम संख्या होगी, और पीछे सम विषम का कौन सा पढ़ाया था? एक विषम संख्या मिलेगी। लेकिन वो कह रहा है सम संख्या, तो ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दोनों संख्याओं के अंतर, तो अंतर तो कहीं आया नहीं, दोनों संख्याओं का गुणनफल भी कहीं नहीं आया, तो क्या हो गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 82 था, बात करते हैं 83 की। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? निम्नलिखित में से संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 प्राप्त होता है? क्या ऑप्शन पीछे नहीं कराया 15? क्वेश्चन नंबर था ये शायद 77 और क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 77 और क्वेश्चन नंबर 83 दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है ना? तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है।